एक ऐसी टीम जिन्होंने इसी ग्राउंड के ऊपर शेकिन चिंचोली जैसी बड़ी टीम को सदमा दिया था, कई बड़ी टीमों को खोपोली के कई बड़ी टीमों को वो सदमा दे चुकी है, क्या आज वो दिमाग के जादूगर संजय सोलंकी को सदमा देगी? सुनील अन्ना शेर के प्रतिष्ठान रायगढ़ मुड़गांव, और मेरे साथ है मेरे साथी कमेंटेटर निखिल थरकुड़े सर। नमस्कार मित्रांनो, स्टार्ट। मुस्लिम भाई बेकरी वाला भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, स्वामी देशमुख यहाँ पर बैठे हुए हैं, समीर जी मसूरकर, एक ऐसा पार्षद खोपोली में जिनका पहली बार मैंने जनसंपर्क कार्यालय देखा था। लवकरत लवकर मैच चालू करा। 28, 29 और 30 अप्रैल खोपोली क्रिकेट का महासंग्राम, वर्ल्ड कप आने वाले दिनों में हमें नजर आ सकता है अप्रैल के एंड में। इस साल कुछ नया होगा, अंपायर मैच शुरू होना जरूरी है। शैलेश तरकुड़े और बाला सोलंकी अंपायर की भूमिका में, एक तरफ दिमाग के जादूगर तो दूसरी तरफ 23 साल के कप्तान, एक तरफ 41 साल के कप्तान संजय सोलंकी तो दूसरी तरफ 23 साल के कप्तान प्रणीत चंगम, काफी कम उम्र में जिन्होंने कई बड़ी टीमों को सदमा दिया वो खुद ओपन करने के लिए आ चुके हैं। सुनील अन्ना शेर के प्रतिष्ठान रायगढ़ मुड़गांव की तरफ से स्वामी देशमुख साहब की ये टीम तो साई बाबा नगर के फ्रेंचाइजी। साई बाबा नगर संघाचा 12वा खेळाडू मॅन संजय सोलंकी आपका 12th मॅन यहाँ पे होना जरूरी है। हाँ, विनोद सोलंकी है यहाँ पर, मेहमान भी है हमारे। मैच शुरू होना जरूरी है, ये मैच नहीं महासंग्राम है। अल्पेश थरकुड़े और सुधाकर घारे फाउंडेशन ऑर्गेनाइज राष्ट्रवादी ट्रॉफी 2024। हाँ, अभी अल्पेश गर्म हो चुके हैं, पेनल्टी भी मिल सकती है किसी भी टीम को। मैच शुरू होना जरूरी है, 20 मिनट के अंदर आपको ये 4 ओवर खत्म करना जरूरी। निखिल वालांडे दोस्त है लेकिन फिर भी पेनल्टी मिल सकती है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोहार साहब यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे। लेकिन फिलहाल मैच की तरफ हम चलेंगे। स्ट्राइकर एंड पर प्रणीत चंगम, 23 साल के कप्तान तो गेंदबाजी के मार्ग के ऊपर, 41 साल के कप्तान साई बाबा नगर की तरफ से दिमाग के जादूगर मास्टरमाइंड संजय सोलंकी। दो कप्तानों के बीच की ये लड़ाई पहले ही ओवर में, दोनों ने एक दूसरे को टारगेट चुना है। प्रणीत चंगम चुनेंगे संजय सोलंकी के गेंदों को आसमान की उड़ान भरना, वहीं दूसरी तरफ संजय सोलंकी चाहेंगे कि उनका जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के आधार पर प्रणीत चंगम का विकेट निकालना। हाँ, पहले 3 ओवर 15 मिनट के अंदर खत्म होने जरूरी, वरना 38 सर्कल के अंदर का प्लेयर, बाहर का प्लेयर है तो वो 38 सर्कल के अंदर आ सकता है। मैच में मजा, पहली गेंद, दर्शकों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा जरा जोरदार तालियां इस बड़े मुकाबले के लिए। पहली गेंद और इस गेंद को भेजा प्रणीत चंगम ने डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 4 रन। इरादा पक्का, दिया धक्का, संजय सोलंकी हुए हक्का पक्का। गेंद और ये ऊंचा उठा गेंद, हवा में कैच होने की संभावना और ये सफलता मिलती हुई दिमाग के जादूगर को, पहली जीत हुई प्रणीत चंगम की। लेकिन संजय सोलंकी ने दिखाया एक्सपीरियंस गुड टीचर फॉर योर लाइफ, अनुभव।
और ये बहुत ही बढ़िया शॉट खेला। ये तीन गेंदों में दो बाउंड्रीज आ चुकी है, एक विकेट आ चुका है, 8 रन। सुनील नश्यर के प्रतिष्ठान रायगढ़ मुड़गांव स्वामी देशमुख साहब की ये टीम, अभी मातोश्री श्री एक निष्ठा श्री भंडारे उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना चिंचिवली शिकेन विभाग प्रमुख सन्माननीय सुभाजी जाधव साहब यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं, त्याचबरोबर गोल्डन मॅन आणि सामाजिक कार्यकर्ते शांताराम जाधव यांना सुद्धा विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं। तो मॅच की तरफ हम चलेंगे, तीन गेंदों में 8 रन दिए जा चुके हैं, विकेट भी हासिल किया है, 4 गेंदें हो चुकी है, एक डॉट गेंद भी आई है और ये विकेट मिलने का मौका संजय सोलंकी को इस ओवर में, दूसरा विकेट, बाउंड्री भी लगाई, विकेट भी निकाले, दोनों तरफ से हल्ला मचाया हुआ है इस मैच में। डीजे नए बल्लेबाज अक्षय, 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं, 5 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है, आखिरी गेंद करेंगे संजय सोलंकी, राइट आर्म राउंड द विकेट। नए बल्लेबाज अक्षय गावंडे, संजय सोलंकी की आखिरी गेंद, मैच में मजा है, मैच में धमासान है, 8 रन 2 विकेटों के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी कप्तान प्रणीत जंगम और उनके साथी योगेश। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज को मैदान के अंदर भेजा जा चुका है, एक अलग दांव खेला है, एक यंग जनरेशन को रिप्रेजेंट करने वाले यंगिस्तान के कप्तान प्रणीत जंगम ने। ये खराब गेंद, बाला सड़ूंगी हमारी तरफ घूमे, 9 पे पहुंचता हुआ टोटल इस वाइट बॉल के जरिए। इस ओवर की आखिरी गेंद, स्टेप आउट करके मारने की कोशिश की, रन आउट का खतरा था लेकिन सिंगल मिला, पहला ओवर समाप्त हो चुका है, 10 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। सुनील नश्यर के प्रतिष्ठान रायगढ़ मुड़गांव का इस मैच को देखने के लिए अल्ताफ सर आ चुके हैं, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे। हाल ही में बदलापुर गोरेगांव में हाल ने टूर्नामेंट जीती और मुनीर पटेल ठहरे मैन ऑफ द सीरीज, खालापुर का नाम बदलापुर में रोशन किया मुनीर पटेल की हाल ने। हाँ, एक चाबी गुम हो चुकी है बाइक की, जिस किसी की हो उसे लेकर जाना है, लेकिन तुरंत दूसरा ओवर पूरा करना है, बॉलर को बॉलिंग मार्क के ऊपर लेकर आना है। दूसरा ओवर चल रहा है, 10 रन पहले ओवर में आ चुके हैं, 2 विकेट के नुकसान पर। प्रणीत और योगेश वापस पवेलियन जा चुके हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज अब स्ट्राइकर इन पर है जो इनाट नंबर 4 की पोजीशन पर आए हैं, गेंदबाज सुशांत गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे। स्ट्राइक एंड पे अक्षय, नॉन स्ट्राइक एंड अनंत, देखते क्या होता है यहाँ पे। हाँ, लेकिन अभी तक समीर जी मसूरकर गर्म नहीं हुए, दर्शक इंतजार कर रहे हैं क्योंकि कुछ तो मिलना चाहिए इतनी रात, दर्शक अगर मैच देखते हैं। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, बैक टू द बॉलर, लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन के खिलाड़ी ने जाकर इस गेंद को फील्ड किया, सिंगल मिला। लेक भाई क्या है, क्या अंपायर बल्ला या भाई बल्ले से आता हुआ ये सिंगल, 11 पे पहुंचता हुआ टोटल।
दो विकेटों के नुकसान पर स्ट्राइकर इन पर आनंद सुशांत। साई बाबा नगर से करेंगे गेंदबाजी चिंचिवली एंड की तरफ से। शांतनाम जाधव साहब यहाँ पर बैठे हुए हमारे गोल्डन मैन और उनके साथ साथ शिवसेना उद्धव वाला साहब ठाकरे विभाग प्रमुख सुभाषी जाधव साहब भी यहाँ पर बैठे हुए। ये डॉट गेंद आई और इस डॉट गेंद के कारण वहीं पर रुका हुआ टोटल 11 रन। 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं साई बाबा नगर बनाम सुनील अन्ना शेर के प्रतिष्ठान रायगढ़ मुलगांव। 7 मिनट हो चुके हैं। देखिए अल्पेश तरकुड़े अब समय के पाबंद हो चुके हैं। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश लगातार दूसरी डॉट गेंद। हमेशा मैं स्केल में कहता हूं डॉट गेंद डाले वो नायक खेले वो खलनायक, खेले वो खलनायक, क्योंकि 24 गेंदों में आपको डॉट गेंद खेलने का कोई हक नहीं है। ये मैच नहीं, ये मैच है दो कप्तानों के बीच, क्योंकि एक तरफ यंग जनरेशन को रिप्रेजेंट करने वाले कप्तान है प्रणीत जंगम, तो दूसरी तरफ रायगढ़ में सर्वश्रेष्ठ कप्तान रह चुके संजय सोलंकी के बीच डीजे। दिमाग के आधार पर जीती और उसी तरह दिमाग के आधार पर जीतने वाले कप्तान के तौर पर जाना जाता है संजय सोलंकी को, लेकिन कार्लोस ब्राथवेट के नाम से मशहूर मुलगांव के आकाश। 2-3 हिट आने चाहिए प्रणीत जंगम के पास, ना कम से कम 40 होने चाहिए, मजा आएगा। हमारे मोरे साहब आ चुके हैं जिन्होंने कॉमेंट्री में हमें हमारी काफी मदद की, काफी अच्छी कॉमेंट्री की। आज भी जरूर आपको मौका जरूर मिलेगा और हमारे साथ कमेंटेटर अच्छे हैं, थोड़ा आवाज निकालना जरूरी। और ये गेंद सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर, एक रन जरूर मिला और इस एक रन से टोटल बढ़ता हुआ 12 रन। सप्रेम सप्रेम का मैच भी आज, लेकिन लोगों की नजरें हैं विक्रांत पाटिल के ऊपर। कुलस्वामी ने 45-50 जिन्होंने हमें ट्रॉफियां प्रदान की उनमें से एक प्रसाद चौधरी साहब यहां पर आ चुके हैं। मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि वो इस मंच पे आके इस मैच का मजा ले। समीर शिंदे सामाजिक कार्यकर्ता और ये अंपायर भी रह चुके हैं हमारे साथ, कार्मेल स्कूल के टीचर, एक जमाने के बेहतरीन ऑलराउंडर ऑफ स्पिन गेंदबाज। इनका क्रिकेट मैंने देखा है काफी मरतबा, 11 स्टार के खिलाफ हमेशा वन मैन आर्मी इनकी मैंने देखी। हमारे निंबाड़कर साहब भी आ चुके थे अंपायर जब उनके साथ ये अंपायरिंग करते थे। मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पे विकेट मिलता हुआ आउट होने वाले खिलाड़ी, हिट विकेट क्या ये अंपायर पग बाधित, तो पग बाधित करार दिया जा चुका है। टीम का टोटल है 12 रन, ओवर दो ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन, कम से कम 25 आना जरूरी अगले दो ओवर में, वरना यह मैच होगा एक तरफा रन बॉल मैच। संजय सोलंकी जाने नहीं देंगे, कम से कम 2 छक्कों का फासला वाला टोटल होना चाहिए, कम से कम 35 प्लस। महेश जी आगे साहब यहाँ विनंती असेल की अपन व्यासपीठा याव। प्रसाद चौधरी साहब यहाँ पर आ चुके हैं, कुलस्वामिनी तर अल्पेश थरकुड़े यांच्याकडून खास निमंत्रण है महेश जाधव यांना, महेश आगेवले साहब यांना खास अल्पेश यांच्याकडून निमंत्रण है।
तर अपन या व्यासपीठावर आणि या सामन्याचा आनंद घ्या। गेंदबाज मयूर शिर्के, इनके लिए इनाम है ना 5 रन। तुषार तुम्हारे कहाँ गए? 5 रन वाला अगर ये ओवर करते हैं तो 1000 रुपए का इनाम किसी ने लगाया इनके ऊपर। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश और ये 4 मिलने वाले थे लेकिन अंतिम क्षणों में काफी बढ़िया फील्डिंग हुई शुभम भोसले। चौदह रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। कप्तान मेहनत कर रहे हैं दोनों तरफ के कप्तान। एक ने 54 लगाया विकेट खोया, दूसरे कप्तान ने पहले ओवर में 10 रन दिए लेकिन 2 विकेटें निकाली। और जो दूसरा ओवर था ना साई बाबा नगर की तरफ से 4 रन वाला 2 रन वाला सुशांत का, 2 रन देकर 2 विकेट उन्होंने हासिल किया। मयूर अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, विकेट कीपर वहां पर चूके, 1 रन जरूर मिला। 22 के तौर पर बाला साहब केसर का इशारा। बीएसए पैनल आजकल खोपोली खालापुर में काफी सुर्खियों में है, काफी अच्छी अंपायरिंग हो रही है। अविनाश पालंडे सर, बाला साहब के, अंकेश तांबड़े और शैलेश थरकुड़े साहब, और एक और अंपायर हमारे करेवली के भावेश सावंत ने भी अच्छी अंपायरिंग की। तो अब समीर मसूरकर का ऐलान हो चुका है, वह कैच के लिए 2000 का इनाम। दर्शकों के लिए मौका है, छक्का बाउंड्री पार होते ही लपक लीजिए 2000 वह कैच के लिए। हाँ 3 दिन काम पे गए तो हमें 2000 मिलता है यहाँ एक ही छटके में कलर पास। और ये बहुत ही बढ़िया खेला है कवर्स में लेकिन खिलाड़ी तैनात है। 1 रन जरूर मिलेगा, क्या मिलेगा? दूसरा थ्रो थोड़ा गलत हुआ, तुरंत थ्रो करना चाहिए था, तुरंत इंतजार नहीं करता, इंतजार नहीं करना क्रिकेट में, वन टेक में ओके करना पड़ता है क्योंकि इंतजार आपको इंतजार करवाएगा। सुधाकर घारे फाउंडेशन ऑर्गेनाइज राष्ट्रवादी ट्रॉफी 2025 का इंतजार करवा सकता है अगर आप यहाँ पे इंतजार करेंगे तो। ये 24 है, 364 दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा। गेंदबाज मयूर, रन आ चुके हैं स्कोर बोर्ड के ऊपर 17 रन। और ये अच्छी गेंद राइट अप इनटू द ब्लॉक ऑल आउटसाइड ऑफ स्टंप, क्या गेंद डाली मयूर शिर्के ने। प्रणीत जंगक पे पास, सब रन नहीं बना, रन नहीं उतने ज्यादा बने हैं, रन चाहिए कम से कम 30, 35, 40, 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब अंपायर से मेरा अनुरोध है, 15 मिनट से भी ज्यादा मिनट हो चुके हैं, एक खिलाड़ी साई बाबा नगर का 38 सर्कल के अंदर आएगा एक्स्ट्रा। 17 मिनट हो चुके हैं इन 3 ओवर्स के लिए, तो एक खिलाड़ी आपको अंदर लेके आना होगा संजय सोलंकी। 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। टाइम यहां पे स्कोरर ने सेट किया है, हमने नहीं, विकेट का भी काउंट किया। सब कुछ काउंट किया है, यहां से कम 12-15 रन आने चाहिए तब मैच में दूसरे सत्र में मजा आएगा, तब जाके प्रणीत जंगम को अपना दिमाग चलाने का मौका मिलेगा। वरना रन बॉल मैच पूरा खोपोली शहर जानता है, रन बॉल मैच अपने हाथों से जाने नहीं देंगे संजय सोलंकी। कम से कम 1-2 छक्के का फासला रनों और गेंदों के बीच का होना जरूरी। प्रसाद चौधरी भी काफी क्लोजली इस मैच को देख रहे हैं। कुलस्वामी ने 45-50 का भी टूर्नामेंट आने वाले दिनों में इसी ग्राउंड के ऊपर होगा, क्या क्राउड था पिछले साल। कुलस्वामी ने 45-50
हमारा वचन ही हमारा शासन। स्ट्राइकर एंड पे ऋषि गेंदबाज भावेश शिर्के, आखिरी ओवर और ये नंबर 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 अंपायर का इशारा होना जरूरी। चार रन। और यह जबरदस्त दूसरा स्कोरिंग शॉट, नंबर आया चार। दो बाउंड्रीज की वजह से यहाँ पे जो मैंने कहा था 12-15 रन आने चाहिए। शुरुआत अच्छी हुई है प्रणीत चंगम के और स्वामी देशमुख के, सुनील अन्ना शेर के प्रतिष्ठान रायगढ़ मुड़गांव की इस आखिरी ओवर में। 26 मैच की तरफ हम चलेंगे, जहां पर 26 रन आ चुके हैं। स्ट्रेट मारने की कोशिश की थी अंदरूनी किनारा, एक रन जरूर मिला, 27 पे आता हुआ टोटल। तीन गेंदे अभी भी शेष। कार्लोस ब्राथवेट अब आ चुके हैं स्ट्राइकर एंड पे। चौथा ओवर चल रहा है, ये 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। चौथे ओवर की तीन गेंदे अभी भी शेष और ये खेला है ऑन साइड के ऊपर, वन बाउंस सीधा चार। 27 और चार बनेंगे 31। कार्लोस ब्राथवेट अगर आने वाली दो गेंदों में एक छक्का भी लगाते हैं ना तो वापसी होगी सुनील अन्ना शेर के प्रतिष्ठान रायगढ़ मुड़गांव की। मैच के लिए 3000 का इनाम, 3000 विनोद सोलंकी एक बैंक। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, एक रन जरूर मिला लेकिन दूसरा चुराने की कोशिश और कामयाबी। टीम का टोटल आ चुका है 33 रन। हेलो, 33 रन आखिरी गेंद के ऊपर, 6 आना चाहिए, आखिरी गेंद शेष है। क्या कार्लोस ब्राथवेट 6 को लगा के 39 तक पहुंचाएंगे? इस गेंद के ऊपर अगर छक्का आता है और अगर दर्शकों द्वारा एवं कैच लिया जाता है तो समीर जी मसूरकर इनकी तरफ से 10,000 रुपए का इनाम, 10,000। दिवाली से पहले दिवाली मनाने का मौका। और ये देखिए ग्राउंड पर रही गेंद, समीर मसूरकर का पैसा हाथ में आना इतना आसान नहीं है, ये काफी मुश्किल बात है। पिछले 12 सालों से मैं उनका टूर्नामेंट कर रहा हूं तब जाके मैं उनके पैसे मेरे हाथ में आ रहे हैं। लेकिन रन बने 3 और टोटल बना 36, 37। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता।
हेलो सावणी टीम के कप्तान से गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। हेलो हेलो जरा आवाज। हाँ ये बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे साथी कमेंटेटर है तो काफी अच्छे, लेकिन स्पीच में बिजी होने के कारण थोड़ी आवाज उनकी कम निकल रही है। नक्कीच या ठिकाणी निखिल सरांनी चांगलंच कॉमेंट्री करतात, नेहमी करत असतात ते, त्यांच्याकडे मला वाटतं खूप शब्द समूह आहे, म्हणजे शब्द साठा आहे, आणि ते शिवरायांवर व्याख्यान देत आहेत, विद्यार्थ्यांना घडवत आहेत, सातत्याने ते प्रयत्नशील असतात की समाजात वेगवेगळे स्तरावरची लोक कशी उंचावर जातील, सतत ते मेहनत घेत असतात, सतत MPSC UPSC एक्झाम देत असतात, विविध परीक्षा देत असतात, सातत्याने शिक्षण आणि शिक्षण क्षेत्रात त्यांचं मोठं मला वाटतं असे कार्य करत असतात। अवघ्या अजून खूप लहान आहेत ते, अल्पेश ठरकुडे यांचे छोटे बंधू आहेत ते, परंतु सतत अभ्यास आणि हा अभ्यासाचा ज्ञान, या ज्ञानाचा फायदा अनेक मुलांना व्हावं अशी त्यांची तळमळ असते सर। नक्कीच, कारण आपला महाराष्ट्र जर म्हटला तरी या महाराष्ट्रानं अनेक नररत्नांना जन्म दिला, या महाराष्ट्रानं जाणते राजे छत्रपती शिवाजी महाराज दिले, तरी याच महाराष्ट्रानं संत ज्ञानेश्वर माऊली, संत तुकारामांसारखे आध्यात्मिक संत दिले, याच महाराष्ट्रानं घटनाकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर दिले, तर याच महाराष्ट्रानं गांधींना गुरु दिला तो गोखले, हाच महाराष्ट्र ज्यांनी गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर दिल्या, याच महाराष्ट्रात विनायक दामोदर सावरकर सारखे स्वातंत्र्यासाठी काळ्या पाण्याची शिक्षा घेणारे स्वातंत्र्य सैनिक जन्माला आले, तर याच महाराष्ट्रामध्ये इंग्रजांना सशस्त्र क्रांतीचा ज्यांनी धडा दिला ते आद्य क्रांतीवीर वासुदेव बळवंत फडके सुद्धा जन्माला आले, आणि याच महाराष्ट्रात खऱ्या अर्थानं सुधाकर घारे फाउंडेशन, राष्ट्रवादी चषक 2024 जो क्रिकेटचा थरार चाललाय, त्या क्रिकेटचा देव सचिन तेंडुलकर सुद्धा याच महाराष्ट्रानं संपूर्ण जगाला दिला। नक्कीच, आता नाणेफेक होते, मी विनंती करतो सुभाषजी जाधव यांना, विभाग प्रमुख आहेत उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनांचे, मी त्यांना विनंती करतो की त्याने नाणेफेक करून घ्यायचे। सुभाष जाधव यांच्याबद्दल काय म्हणणार आम्ही मातोश्रीशी एकनिष्ठ असे म्हणणारे सुभाष जाधव यांचे शुभ हस्ते, सिद्धू 11 कैऱ्या आणि चावणे या दोन संघादरम्यान लढत रंगणार आहे, स्वतः संजय सोलंकी आणि त्याच्या साथीला शुभम भोसले। हा प्रेक्षकांना विनंती, खेळाडू कक्षाच्या समोर जे प्रेक्षक आहेत, खेळाडू कक्षाच्या समोर ते खुर्च्या काढा, ऑलिंडर्स त्या खुर्च्या ताब्यात घ्या, त्यांना या आपल्या शुभम सिंग घेऊन या, शुभम सिंग स्टेजच्या समोरच्या प्रेक्षकांना विनंती करा, डगआउटच्या समोर जे प्रेक्षक आहेत त्यांना विनंती करा, एकतर खाली बसा, खाली बसा आणि सामना पहा, उभे राहू नका जेणेकरून समोरच्या डगआउट मध्ये सामना दिसायला हवा। नक्कीच खेळाडू कक्षात जे खेळाडू आहेत बसले त्यांना हा सामना बघायला लागतो, त्यामुळे मी विनंती करतो सर्व प्रेक्षकांना, आज खूपच प्रेक्षकांची गर्दी या मैदानावर आहे, या राष्ट्रवादी चषकवर नेहमीच प्रेक्षकांनी प्रेम केले। पुढचा सामना जो होणार आहे न्यू स्टार चावणे आणि सिद्धू 11 कैरे, यामध्ये नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय तो न्यू स्टार चावणे संघानं, तो मॅच की तरफ हम चलेंगे। स्वामी देशमुख साहब की ये टीम, सुनील अण्णा शेळके प्रतिष्ठान रायगड मुळगाव, जिन्होंने दिमाग के जादूगर की टीम साई बाबा नगर के खिलाफ रन बनाए हैं 4 ओवर की समाप्ति के बाद 36, जीत के लिए 37 रनों की जरूरत। चलिए मैच शुरू होना जरूरी, गेंदबाज योगेश गोपाल है, तेज तर्रार गेंदबाज, 36 रन बनाए जा चुके हैं, 37 का बचाव करना है कंपलसरी चेसिंग। सामना सुरू होता है, पहले षटक घेऊन येतो तो गोलंदाज योगेश गोपाळे, योगेश गोपाळे मला वाटतं 3 षटकात मुळगाव संघाने 18 धावा केल्या होत्या, आणि नंतरच्या शेवटच्या षटकात त्याने 18 धावा चोपून 37 धावांचं आव्हान मला वाटतं या ठिकाणी साईबाबा नगर या संघाला दिलेलं आहे। आपको लगता नहीं 18 रन किए उस वजह से 36 हुए। संजय सोलंकी ने इस गेंद को खेला, सिंगल यहाँ पे
शुभम भोसले के रनआउट का मौका था। इसी ग्राउंड के ऊपर शिकिन चिंचिवली को सदमा दिया था मुलगांव ने एक कांटे भरे मुकाबले में। सन्मानजनक मला वाटतं हा चेस आहे इकूसाठी। इकू म्हणजे मास्टर माइंड मानलं जातं, नेहमी तो सतत विचार करतो, त्याला माहित आहे सगळे खेळाडू माहित आहेत, सगळ्या खेळाडूंचा खेळ माहित आहे, कोणाच्या गोलंदाजीची गती किती आहे, तो कुठले कुठले बदल करतो हे सुद्धा सगळं पाठ आहेत। आणि तो त्याने एक मला वाटतं ठरवलं असेल की हा सामना कशा पद्धतीने हाताळायचा। निश्चित तौर पर, क्योंकि संजय सोलंकी भी जानते हैं ये मुळगाव की टीम है ना, ये डॉग हॉर्स है, डॉग हॉर्स है, ये कभी भी ऊपर आती है, ये अपने कंधे कभी झुकने नहीं देती। शुभम भोसले स्ट्राइकर एंड पर, योगेश इस ओवर की दूसरी गेंद और ये बड़ी विकेट, ये बड़ी विकेट है और ये क्या छोड़ा, ये बड़ी विकेट है, संजय सोलंकी से भी ज्यादा ये विकेट बड़ी है। क्योंकि साई बाबा नगर में आज की तारीख में अगर कोई सबसे इन्फॉर्म बल्लेबाज हो तो वो शुभम भोसले है। ये गलती की स्वामी देशमुख की भी सांसें अटकी हुई थी जब ये कैच ऊपर उठा था। हाँ नक्कीच, कारण जब कैच घेतला तर मैच भेटते असं म्हटलं जातं नेहमी। देखिए इस मैच में मैं अपने पैर का दर्द भूल चुका हूँ, इतना रोमांचकारी मैच होने की संभावना आई है। इस ओवर की तीसरी गेंद करेंगे योगेश, बैकफुट पे जाके चले पे नमक, इससे कहते चले पे नमक, अंपायर का इशारा, डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, 4 रन। पण पाहिलेलं या मैदानावर नेहमी कॅच सोडला की त्याने मोठा फटका मारलेलाच आहे। निश्चित तौर पर एक और बाउंड्री यहां पे आती हुई, 8 और 1 बनेंगे 9, 37 का पीछा करते हुए औसतन जो रिक्वायर। विकेट निकालना जरूरी था और वो विकेट लगभग पा भी लिया था योगेश गोपाले ने, लेकिन उमा शंकर की गलत फील्डिंग और उसके बाद शुभम भोसले की दो बाउंड्रीज। स्लोअर वन की थी वेरिएशन के तौर पर, स्लोअर वन लेग स्पिन। नक्कीच आता मला वाटतं गोलंदाजांनी जरा पुन्हा एक सूर गवसलाय, थोडस कमी धाव संख्या आहेत पण यावरती चांगली फील्डिंग आणि चांगली गोलंदाजीची गरज आहे। निश्चित तौर पर एक एक गेंद नाप तोल के डालनी होगी गेंदबाजों को इस मैच में अगर वापसी करनी है तो। शुभम भोसले ने इस गेंद को खेला, एक तो जरूर मिलेगा और इस एक रन से बढ़ता हुआ टोटल 10 रन। मुळगाव की पोजीशन भी ऐसी ही थी, लेकिन मुळगाव की पोजीशन में यह था पहला ओवर 10 रन 2 विकेट और साई बाबा नगर की पोजीशन यह है 10 रन बिना कोई विकेट। टाइमिंग 4 मिनट और 16 सेकंड हुए हैं पहला ओवर समाप्त करने के लिए। देखिए चेसिंग हो या कोई भी चीज हो, यहां आपका फील्डर हम अंदर लेकर आ सकते हैं अगर 20 मिनट से ज्यादा 4 ओवर खत्म करने में, 15 मिनट पहले 3 ओवर में अगर खत्म नहीं होते तो। तुषार धुमाल सर हमारे एक और यंगेस्ट कॉमेंटेटर दिनेश ओवाल यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे। संजय सोलंकी एक को एक एंड से बने रहेंगे और शुभम भोसले आक्रमण करेंगे। इस मैच का सीधा साधा परिणाम मुझे नजर आ रहा है नए गेंदबाज प्रणीत जंगम कप्तान। 23 साल की उम्र में एक बड़ी टीम की कप्तानी करने का मौका मिला है उन्हें सुनील अन्ना के प्रतिष्ठान रायगढ़ मुळगांव। और ये बहुत ही बढ़िया, कप्तान को आसमान दिखाने की कोशिश की थी लेकिन लाजवाब फील्डिंग, कैच भले ही छोड़ा हो लेकिन 5 रन बचाए।
एक रन जरूर पूरा किया। देखिए दूसरा ओवर जब किया था साई बाबा नगर ने तो उसमें महज 2 रन आए थे। हाँ, कमेंटेटर्स का ध्यान सभी तरफ होना चाहिए। हाँ, नहीं तो लास्ट आखिरी रात में अल्पेश थरकुड़े सीधा जीएसटी। आई वह कैच के लिए है कि नहीं कुछ समीर जी? खरच सर्व प्रेक्षक अगदी मनापासून ह्या सामन्याकडे पाहत आहेत। हा सामना संघर्षमय होणार यात काही शंकाच नाहीये। उंचावून मारलेला चेंडू पाहूया का परत मला वाटतं झेल सोडतोय। आता मात्र या ठिकाणी तो मैं अशफाक जी पटेल साहब से गुजारिश करना चाहूंगा कि वो इस मंच पे आए। इस टूर्नामेंट में उन्होंने वीरेश्वर वर्ची खोपोली को फ्रेंचाइज किया है। मैं अशफाक जी पटेल साहब से गुजारिश करना चाहूंगा कि वो इस मंच पे आए। पुनः उंचावून मारलेला फटका पाहूया काय होते तो खालीच रहे आणि निर्धाव चेंडू अशी गोलंदाजीची गरज आहे। इसके बाद का मैच न्यू स्टार सावणे जिन्होंने टॉस जीता और सिद्धू 11 कह रहे। दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारे अकाउंटेंट योगेश जी थरकुड़े साहब से मिले। सिद्धू 11 कह रहे और न्यू स्टार सावणे जो टेक्निकल मसला है उसे आपको हल करना है। सबसे बड़ा मसला है वो। रन बन चुके हैं 37 का पीछा करते हुए 12-25 की अभी भी दूरी। गेंदबाज प्रणीत चंगम शुभम भोसले के लिए यह विकेट की फैक्टर है इस मैच का। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश डॉट गेंद आई धीरे धीरे वापसी कर रही है सुनील अन्ना शेख के प्रतिष्ठान रायगढ़ मुलगांव। धीरे धीरे मुस्कान फैल रही है स्वामी देशमुख के चेहरे पर। नक्कीच पण जेव्हा जेव्हा कॅच सोडला तेव्हा स्वामीचा चेहरा पाहण्यासारखा होता। तो नाराज होता आपल्या खेळाडूंवर निश्चित तौर पर। क्यों नहीं नाराज होंगे आजकल की एंट्री फीस का काफी कम नहीं है। फिर से एक बार डॉट गेंद याला म्हणतात मराठी मध्ये फक्त उपसलेले चेंडू। हाँ इस तरह अगर खेलते रहे ना शुभम देशमुख तो उन्हें ढूंढनी पड़ेगी इस राष्ट्रवादी ट्रॉफी की अगली तारीख। उस दैट की अपील हुई है मैच में। प्रणीत जंगम ने इस मैच में वापसी के द्वार खोले हैं। टीम का टोटल 12 रन। देखिए मैच वैसा ही है पहले ओवर 10 रन दूसरे ओवर में 2 रन। नक्कीच तो धावा दिल्या स्वामी देशमुख के हाथों में जो अंगूठिया है ना उनका कमाल है। आणि खरच स्वामी मगास पासून वरतीच बघतोय मला वाटतं चंद्राकडे पाहतोय काय सूर्याकडे पाहतोय पण काहीतरी जादू काहीतरी त्याने या 2 अंगठ्या काढल्यात आणि टेबलवर ठेवून पुन्हा घातल्यात हे काहीतरी ते सतत करत असतात आपला संघ जिंकावा म्हणून। निश्चित तौर पर क्रिकेट में देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच अगर मैच हो हम एक जगह पे बैठे और वहां पर पाकिस्तान के अगर विकेट ना गिरते तो हम जगह बदल लेते हैं। ये इमोशंस। टाइम 10 मिनट हो चुके हैं आपके 9 मिनट 11 सेकंड हो चुके हैं। प्रणीत जंगम अशफाक भाई पटेल यहां पर आ चुके हैं उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे जिन्होंने आज वीरेश्वर वर्ची खोपोली को फ्रेंचाइज किया है। आज उनकी खुद की टीम में वो शायद खेलते हुए भी नजर आ सकते हैं। 12 गेंदे और 25 रनों की जरूरत। चलिए अशफाक भाई पटेल के लिए इनाम आ चुका है पहले से ही। विनोद सोलंकी इनकी तरफ से 1 छक्का भी मारा तो 2000। अशफाक भाई पटेल मला वाटतं रोज या सामन्याला भेट देत असतात आज त्यांचा संघ या मैदानात आपल्याला पाहायला मिळेल खेळताना। आणि खरंच पुन्हा मला वाटतं आपल्या मुलगाव संघाला चांगल्या स्थितीत आणले। आदित्य दर्गे सेवन विलास हॉटेल के मालिक इनके तरफ से उमा शंकर अगर विकेट हैट्रिक हासिल करते हैं तो
हजार का इनाम, 12 गेंदे 25 रनों की जरूरत। शुभम भोसले ने जो पिछले ओवर में जो गेंदे खराब खेली, अब उसका टेंशन लेके मैदान पर खेलना होगा दिमाग के जादूगर संजय सोलंकी को। और ये सीधे बल्ले से खेला, एक रन जरूर मिला। 12 गेंदे 25 की दूरी तय करनी थी, अब 11 गेंदे 24 रनों की जरूरत। मैच जीतेगा कौन? यंग जनरेशन को रिप्रेजेंट करने वाला कप्तान प्रणीत जंगम, या फिर रायगढ़ के सर्वश्रेष्ठ कप्तान संजय सोलंकी, इनक्रेडिबल खालापुर, अविश्वसनीय अद्भुत खालापुर, जिन्होंने आरपीएल सीजन 1 इनकी कप्तानी में जीता था। और ये देखिए शुभम भोसले का जलवा, जलवाई जुम्बे शौर्य नंबर आता हुआ अच्छे। लगातार 3 चौवे, लगातार 3 छक्के, इनके लिए 5000 का इनाम, बहुत बड़ी इस मैच में इनामी राशि। अल्पेश थरकुड़े के चाहने वाले अशफाक जी पटेल, समीर जी मसरूकर ने आखिरी गेंद के ऊपर 10000 लगाए थे आईवा कैच के लिए। भावेश सावंत का कैच भी छूटा था, लेकिन शुभम भोसले स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ एक और 4। शुभम भोसले ऑन फायर, इनका कैच जो छोड़ा था आ चुका है 23, 14 रनों की जरूरत, गेंदे बची है 9 गेंदे 14 रनों की जरूरत। नक्कीच उमाशंकर ने मला वाटतं तो झेल सोडला होता आणि तोच गोलंदाजी करतोय आता, मात्र जर हा सामना जिंकायचा आहे तर उमाशंकरला आता याची विकेट घेणे गरज आहे। निश्चित तौर पर यह विकेट लेना जरूरी है, मैच में मजा आएगा, लेकिन जब तक शुभम भोसले संजय सोलंकी क्रीज में मौजूद है, यह मैच जीतने का सपना कोसों दूर होगा प्रणीत जंगम और स्वामी देशमुख की सुनील नश्य के प्रतिष्ठान रायगढ़ मुळगाव के लिए। नक्कीच इकुला म्हणजे क्रिकेटचा जादूगारच म्हटला जातो, काय डोकं असतं त्याचं, सतत त्याला माहित असतं की पुढच्या चेंडूला काय प्लॅन करायचंय, सतत आपल्या सहकारी बॅट्समनला तो सांगत असतो। जेव्हा 11 खेळाडू मैदानात खेळत असतात तो सगळ्यांना मार्गदर्शन करत असतो। टॉस किया, गैप में खेला है, ये नंबर मिलेंगे 4 संजय सोलंकी के बल्ले से आता हुआ, ये खूबसूरत मिड विकेट बाउंड्री के बाहर स्वीप के जरिए ये 4। अभी भी जरूरत, इस ओवर की गेंदे बची है 7 गेंदे 9 रन, रन अ बॉल अब इक्वेशन आ चुका है। तो निश्चित तौर पर विकेट हैट्रिक, लगातार 3 चौवे, लगातार 3 छक्के, 6 गेंदे 9 की जरूरत, 14 मिनट और 41 सेकंड हो चुके हैं, 5 मिनट बचे आपके पास इस ओवर को पूरा करने के लिए, 6 गेंदे 9 रन, कौन से ऐसे गेंदबाज होंगे प्रणीत जंगम के पास कि वो इन रनों को बचाएंगे। एक खूबसूरत कैच लिया गया और संजय सोलंकी के पारी का अंत हो चुका है। न्यू स्टार चावड़े बनाम सिद्धू 11 कह रहे, अगला मैच टॉस जीता न्यू स्टार चावड़े ने।
छह गेंदे 9 रन। गेंदबाज तेजस शाह, लेकिन स्ट्राइकर इन पर है शुभम भोसले। एक आंधी, एक तूफान, एक जलजला साई बाबा नगर का। नक्कीच त्याला मिळालेले जीवदानात त्याने चांगलाच फायदा घेतलेला आहे। निश्चित तौर पर शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, क्या गेंद, खराब प्रदर्शन बल्लेबाजी का। ये डॉट गेंद आई, क्या ये व्हाइट बॉल का इशारा। छह गेंदे अब 8 रनों की दूरी। नो आर्ग्यूमेंट्स विद अंपायर, नो आर्ग्यूमेंट्स विद अंपायर। चलिए प्रणीत जंगम, 6 गेंदे 8 रन। फिर से एक बार सावंत साहब यहां पर आ चुके हैं, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे। शुभम भोसले, 6 चेंडू आणि 8 धावा, अटीतटीचा सामना म्हणावा लागेल। संजय सोळंकीची विकेट पडलेली आहे, मात्र मैदानात आहे तो शुभम, आणि शुभमला जीवनदान दिलंय ते उमाशंकर याने। उमाशंकरचं नाव मैदानात खूपच गाजतंय। आता मात्र हा सामना जिंकायचा असेल तर गोलंदाजाला चांगली गोलंदाजी करावी लागेल। मॅच की तरफ हम चलेंगे, जहां पर 6 गेंदे और 8 की दूरी है। कम से कम एक डॉट गेंद लेकर आना होगा गेंदबाज को। 6 गेंदे 8 रन, राइट आर्म ओवर द विकेट, बैक फुट पे जाके इस गेंद को खेला, नंबर मिलेंगे डीप थर्डमैन बाउंड्री के बाहर, इस अपर कट के सहारे 4 रन। थोड़ा बहुत कुछ अलग हमें अब तक नजर आता। 5 गेंदे 4 की दूरी। अगदी सोप्पं आव्हान आणून ठेवलंय शुभम ने, लेकिन अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इस मुळगाव टीम को मैं जानता हूं, इनके कंधे कभी झुके नहीं होते। ये ऑस्ट्रेलियन मानसिकता रखने वाली टीम है। बहुत ही बढ़िया, एक रन तो जरूर मिलेगा। 4 गेंदे अब 3, कंपलसरी चेसिंग, लेकिन यहां पे क्या सिंगल मिलेगा और ये आउट। चार गेंदे 3 की दूरी, 4 गेंदे 3 की दूरी। मैच की तरफ हम चलेंगे, जहां पर कोशिश की जा रही है गेंदबाजों द्वारा, लेकिन स्ट्राइकर एंड पे जो खिलाड़ी है ना, वो कच्चा चबा जाएंगे गेंदबाजों को। इतना गेंद उन्हें फुटबॉल की तरह नजर आ रही है। शुभम भोसले, शुभम भोसले वैयक्तिक मला वाटतं ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला और ये नंबर मिले, 4 रन और इस मैच को जीता संजय सोलंकी।